नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे बिहार से बोल रहा हूँ। कल तक मैं डीजीपी था। कल मैंने शाम को वीआरएस ले लिया। आज मैं पूर्व डीजीपी बिहार हूँ। आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे सोशल मीडिया से, जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बड़ा भावुक है। जिस फोर्स के साथ, जिस बल के साथ, जिस सेवा में मैं था, लगभग 34 वर्षों तक उसमें काम किया और लाखों सिपाहियों, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और पुलिस पंक्ति के जितने ऊपर से नीचे पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा बहुत ही नज़दीक का संबंध रहा। और उस पुलिस परिवार को छोड़ने की, उनसे बिछड़ने की जो पीड़ा है, वो मेरे मन में है। और मैं तमाम अपने उन सिपाहियों को, बहादुर सिपाहियों को, हवलदार भाइयों को, उन तमाम पुलिस पदाधिकारियों को, थाना प्रभारी हों, इंस्पेक्टर हों, डीएसपी हों, एसपी हों, उसके ऊपर के जितने पदाधिकारी हों, मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जहाँ जिस मिशन पर उनको लगाया, उन्होंने बहादुरी के साथ काम किया। और मैं जो एक पुलिस को जनता के नज़दीक ले जाना चाहता था, जो दूरी एक आम पुलिस, आम पब्लिक और जनता के बीच में, उस दूरी को कम करने का जो मेरा प्रयास था, उसमें बहुत मुझे सहयोग मिला अपने बल से। खास करके कोरोना के टाइम में जिस तरह से रात दिन जग करके हमारे सिपाही, हवलदार, थानेदार, सारे पंक्ति के सभी पदाधिकारियों ने सेवा का काम किया, उससे पुलिस के प्रति बहुत सकारात्मक भाव आम जनता में गया है, सकारात्मक संदेश आम जनता में गया है। ये कहने की बात नहीं है कि पुलिस की छवि बहुत ही नकारात्मक है, यही नहीं, सब जगह। और बहुत बड़ा आस्था का संकट है, विश्वास का संकट है। जो समाज के शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनका भरोसा पुलिस में कम हुआ है, कम है। वो पुलिस को अपना शुभचिंतक नहीं मानते और उनको लगता है कि पुलिस उनकी अपनी नहीं है। मैंने इस दूरी को कम करने की कोशिश की। पुलिस में भी अपने गुलामी के संस्कार हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस है, उनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। ये मैंने की कोशिश और मैंने बार बार कहा, आप महसूस करो कि आप आम जनता के सेवक हो। और इसीलिए मैं कई जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, और शुरू से, ये नहीं कि डीजी बनने के बाद, जहां एसपी रहा तो, डीआईजी रहा तो, आईजी रहा तो, मैं हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात बोलता रहा हूं कि हमारी नजर में वही पुलिस कर्मी या पुलिस पदाधिकारी हीरो है, जिससे गुंडे डरे, बदमाश डरे, कानून को तोड़ने वाले डरे, अपराधी वाले डरे, लेकिन आम जनता ना डरे। आम जनता जिसको प्यार करे, आम जनता जिसमें अपनी आस्था व्यक्त करे, आम जनता का जिस पर भरोसा हो, वो पुलिस पदाधिकारी मेरी नज़र में हीरो है। और ये मेरी शुरू से कोशिश रही है। डीजीपी जब बिहार का मैं बना, तो मुझे पूरे बिहार स्तर पर काम करने का मौका मिला। और इसी अपने तरीके से मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग, जो मैं शुरू से करता आया था, वो मैंने किया। और हमारे सभी लोगों ने, भाइयों ने सहयोग दिया। मैं उस पुलिस परिवार को अब छोड़ चुका हूँ, लेकिन आत्मिक जुड़ाव अभी भी है। जो अच्छे काम करने वाले हैं, हर तरह के लोग हैं, कुछ गलत काम करने वाले भी लोग हैं, तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना वैसी ही है और मेरा आत्मिक लगाव भी वैसा ही है। कभी भी संकट में, किसी भी स्थिति में, व्यक्तिगत या पारिवारिक, कोई भी जरूरत हो, तो मैं हमेशा उनकी सेवा में रहूँगा। पुलिस मेंस एसोसिएशन के जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, और पुलिस एसोसिएशन के जितने हमारे लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर जितने भी लोग, सब भाइयों का इतना प्यार, इतना सम्मान मिला। मुझे याद है कि किस तरह से पुलिस मेंस के एसोसिएशन के लोग पूरी तरह से वोकल होकर के मेरे पक्ष में उतरे थे, जब मुझ पर किसी तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। तो सारे पुलिस परिवार के लोग, चाहे पुलिस एसोसिएशन के हो, पुलिस मेंस एसोसिएशन, हमेशा हमारे हर लड़ाई में, हमारे हर संघर्ष में मेरे साथ खड़े रहे, उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं, जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, जो मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं,
मैं उनके प्रति कोई भी अन्यथा भाव नहीं रखता। मेरा उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत सम्मान है। शायद वो मुझे नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं। टोटालिटी में अगर जानते तो वो समझते कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। और जो लोग जानते हैं, बक्सर के लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, बक्सर के भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे, वो तो जानते हैं। हमको देखा है किस तरह के परिवार से आता हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, और वहाँ से किस तरह संघर्ष। गांव मेरा बक्सर से 20 22 23 किलोमीटर की दूरी पर एक पिछड़ा हुआ गांव। जब मैं वहाँ पैदा हुआ, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी नहीं था, और स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग तो शीशी आती थी दवा की, उसके ढक्कन में छेद करके कपड़े का बत्ती बना करके माँ लगा देती थी, किरासन तेल भर देती थी, उसकी रोशनी में पढ़े हैं। आश्चर्य होगा आज के नौजवानों को जान करके। स्कूल जाते थे हाफ पैंट और शॉर्ट्स नहीं, जो आजकल फैशन वाला मिलता है, वो 2 रुपये 1.5 रुपये मीटर का कपड़ा जो गांव में बिकता था या पास के शहरों में बिकता था, उसका दर्जी ले आता था और नाड़ा बांधने वाला हाफ पैंट सी देता था, और बनियान पहन करके बिना जूता का बिना चप्पल का स्कूल जाते थे। हम ही केवल नहीं, हमारे साथ जितने लोग पढ़ते थे, स्कूल भी 7 साल के बाद उम्र के बाद मैंने जाना शुरू किया। और गांव से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पैदल, सड़क भी नहीं थी, कोई ऑटो रिक्शा मोटर स्कूल बस इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पैदल बरसात के दिनों में तो नदी नाला पार करते हुए खेतों की मेड़ों पर चल करके कीचड़ में घुटने भर सने पांव, उस तरह से स्कूल जाते थे हम लोग। कुएं के पानी से पांव को धो करके फिर बैठते थे। और बैठने के लिए क्या था, स्कूल का मतलब क्या, एक फूस की झोपड़ी, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, गुरुजी बैठते थे खटिया पर, हम लोग बैठते थे बोरा पर। बोरा मतलब रैग, अपने साथ लेकर के जाते थे, एक प्लास्टिक के झोरे में स्लेट पेंसिल लेकर के जाते थे। वैसे तो पढ़ाई लिखाई हुई, और 11+2+3 का वो सिस्टम था, 10+2+3 नहीं था, 11वीं क्लास को मैट्रिक बोला जाता था। तो बक्सर चले आए, बक्सर स्कूल में जब आए 8वीं के बाद, तो वहाँ स्कूल से 3 किलोमीटर दूर, मुझे आज भी याद है, एक कमरा 8 रुपये महीने पर लेकर के, उस कमरे में कोई टॉयलेट अटैच नहीं, टॉयलेट करने के लिए सुबह शाम 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था लोटा में पानी लेकर के। सोचिए कि सुबह में 2.5-3 किलोमीटर जाना शौच के लिए, और शाम को भी जाना, उतनी ही दूरी तय करके आना, और फिर वहां से 3 किलोमीटर स्कूल जाना पैदल, और वहां से लौट करके आना, फिर अपने हाथ से खाना बनाना स्टोव पर किरासन भर के, माड़ भात चोखा, रोटी तो बनाने भी नहीं आता था, वही माड़ भात चोखा सुबह, वही माड़ भात चोखा शाम, कभी कभी दाल। दाल बनाने में तो इतनी परेशानी होती थी कि हम लोग बनाते ही नहीं थे। माड़ भात चोखा, नमक, हरी मिर्च, ये खा खा करके मैं जवान हुआ हूं। ये ऐसे मेरी जिंदगी कटी है। और पटना कॉलेज में कैसे है तो कहानी है। हमारा ही एक मित्र जिसके पिताजी यहां पटना में सचिवालय में क्लर्क थे, वो पटना जानता था, आता था, जाता था, रहता था, वो हमको ले आकर के पटना कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। उसके पहले मैं बक्सर के बाहर क्या दुनिया है मुझे कुछ नहीं पता था। तो पहली बार तो 18, 19, 20 साल की उम्र में पटना आया, पटना कॉलेज में एडमिशन लिया, इंटर पास किया, संस्कृत से ग्रेजुएशन किया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे मेरी एकेडमिक पृष्ठभूमि क्या है। संस्कृत में ग्रेजुएशन किया, संस्कृत ऑनर्स, और बीए करने के बाद गांव में चला गया। पिताजी अकेले थे, उन्होंने कहा आओ खेती कराओ, मेरे खानदान में नौकरी करने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और ये भी कम लोग जानते होंगे, बक्सर के लोगों को तो पता है, बक्सर के अभी हजारों लोग कम से कम समझते लोग सुन रहे होंगे लाइव, वो तो जानते हैं। मेरे मेरे पिताजी अनपढ़, मेरी माँ अनपढ़, मेरे बाबा अनपढ़, मेरी मेरी दादी अनपढ़, मेरे परदादा अनपढ़, मेरी परदादी, 4 पीढ़ियों में इससे ऊपर का तो अपनी पीढ़ी का कोई इतिहास भी नहीं जानता है।
तो चार पीढ़ियों का तो मैं जानता हूं कि कोई स्कूल गया ही नहीं, किसी की कोई औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं। मैं पहला आदमी था जो स्कूल गया, जिसकी औपचारिक शिक्षा हुई। ऐसे अनपढ़ परिवार में मेरा जन्म हुआ था। पटना आया, बीए करने के बाद पिताजी ने कहा पढ़ने का क्या मतलब, अब खेती करो, और मैं खेती करने लगा। चार छह महीने के बाद किसी आदमी ने सलाह दिया कि आपको आगे भी पढ़ाई करनी चाहिए, तो फिर आकर के एमए में एडमिशन ले लिया। और एमए में एडमिशन लिया तो किसी ने कहा कि नहीं सिविल सर्विस की भी तैयारी करनी चाहिए, तो सिविल सर्विस की तैयारी में भी लग गया। अब बीए पास करने तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि मुझे नहीं मालूम था कि इस देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियां कहाँ हैं, ये मेरे जनरल नॉलेज का स्तर था। मैं सही सही बता रहा हूं। जब यूपीएससी की तैयारी में लगा उसके बाद ये सब जानना जरूरी था, तो जाना, मेहनत किया, और एक साल की मेहनत के बाद मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। मैं ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद उसमें मेरा मन तो लगना नहीं था। मैंने मुझे तो मैथमेटिक्स और साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो 11वीं की परीक्षा में मैं तो स्कूल के इंटरनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया था साइंस में। वो तो प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद, अब दिवंगत हो चुके हैं, जिन्होंने मुझे ह्यूमैनिटी से अपीयर होने की अनुमति दे दी, और मैं ह्यूमैनिटी से किसी तरह से मैट्रिक पास करके पटना कॉलेज में आकर के एडमिशन ले लिया। तो IRS में भी वही हुआ, अकाउंटेंसी पढ़नी थी, बुक कीपिंग पढ़नी थी, तो पार्ट वन की परीक्षा में ही फेल हो गया। मुझे लगा कि इसमें कोई गुजारा नहीं होने वाला है मेरा, ये काम मुझसे होने वाला नहीं है। UPSC फिर दिया था, IPS में हो गया, तो मैं IPS में हो गया, और मुझे बिहार काडर भी मिल गया, और कोठारी कमीशन के चलते उस समय 5 chances मिले। मैं चाहता था और कई बार दे सकता था, लेकिन मैं बिहार छोड़कर जाना नहीं चाहता था। काडर सिस्टम में कोई इस बात की गारंटी नहीं थी कि IAS हो जाने के बाद मुझे बिहार मिलेगा। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, बिहार हुआ मैं संतुष्ट हो गया। और राज्य का बंटवारा भी जब हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय श्री बाबूलाल मरांडी जी, जो अभी भी हैं, बहुत सभ्य और बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे व्यक्ति वो सुनेंगे, और कहीं ना कहीं से मेरा ये वीडियो उनको तक भी पहुंचेगा। उन्होंने मुझे बुला कर कहा, मैं सीनियर SP पटना रांची था, कि आप झारखंड रह जाइए, और मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूँ। और उनकी इच्छा ना रहने के कारण भी, वहाँ रखने के कारण भी मैं वापस चला आया, मैं रुका नहीं, बिहार आ गया। इस तरह से मेरी बैकग्राउंड है। मेरे घर में तो कोई जज नहीं हुआ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ, कोई कलेक्टर क्या, कोई मास्टर ही नहीं हुआ। इस तरह से जमीन से उठ करके संघर्ष कर 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 करके यहां तक पहुंचा, बिहार प्रदेश का DGP हुआ। इस बात को, मेरी बैकग्राउंड को लोग जो समझेंगे वही मुझे जज कर सकते हैं। ऐसे किसी को गाली दे देना, ट्रॉल कर देना, या किसी उसके एक्शन से, एक स्टेटमेंट से उसका, उसके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में कोई जजमेंट ले लेना, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं, और जो बात बोल रहा हूं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, मैं जानता हूं इसको लाखों नहीं करोड़ों लोग सुनेंगे, इसलिए ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं कि कोई भी इस पर आकर के सर्वे कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि इसमें एक बात भी मैं गलत बोल रहा हूं। सिविल सर्विस के लिए कभी कोई कोचिंग ना की, वो संभव नहीं था। और पटना विश्वविद्यालय में तो स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग कराया जाता था IAS के लिए, 100 रुपये केवल देना होता था एडमिशन के लिए। वो 100 रुपया भी मैंने नहीं दिया, वो भी मुझे महंगा लगता था। मैंने नहीं किया कोचिंग, मैंने नहीं ली कोई ट्यूशन। ये विद्यार्थियों के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर उनके अंदर हौसला है और संकल्प है, वो मेरे अंदर था, मैं जिद्दी बहुत था, हौसला बहुत था, संकल्प बहुत था, और मेरे अंदर यह दृढ़ विश्वास था कि मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं। यही मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति मेरी सफलता के पीछे मूल ताकत थी। और मैं आज भी कहता हूं विद्यार्थियों से,
जिनको कोई साधन नहीं हो, कोई सुविधा नहीं हो, उनको भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं। अगर उनकी संकल्प शक्ति मजबूत है तो वो जो चाहे जीवन में हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई सपोर्ट सिस्टम मेरा नहीं रहा, जीवन में नहीं रहा, और मैं इस जगह तक पहुंचा। इसमें मेरे माँ पिता के आशीर्वाद के अलावा और कोई सहयोग नहीं रहा। मेरे पिताजी और माताजी को मैं गाइड नहीं कर सकते थे, वो खुद ही बेचारे अनपढ़ थे, सीधे लोग थे, फकीर की तरह मेरे पिताजी रहते थे। झूठ सच लंद फंद दुनिया की राजनीति किसी चीज़ से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका बेटा IPS हो गया तब भी उन्हें न खुशी हुई, न हर्ष हुआ, न द्वेष हुआ, एकदम समभाव के आदमी थे। हमारे IPS होने के 11 साल के बाद उनकी मृत्यु हुई, लेकिन गांव में रहते हुए, अब बगल में थाना रहते हुए, किसी थानेदार को देखा नहीं, किसी सिपाही को भी नहीं देखा। ऐसे थे वो, इतने सहज थे। IPS बना मैं, बिहार आया मैं, और झारखंड के जिलों में जहां जहां कप्तान रहा उसकी चर्चा में करूं तो चतरा में कप्तान रहा हूं। चतरा से शुरू किया, दूसरी पोस्टिंग मेरी बेगूसराय में हुई, बेगूसराय का पुलिस कप्तान रहा। बेगूसराय के बाद बेगूसराय का चतरा का क्या माहौल था? चतरा नक्सलियों का गढ़ था, नक्सलियों का गढ़ था, आज भी है, उग्रवादी वहां है। चतरा में मैंने गरीबी देखी। मैं समझता था कि मैं जिस इलाके से आता हूं वहां गरीबी है, मैं उसी को गरीबी समझता था, लेकिन चतरा में मैंने ये देखा कि वहां गरीब जो आदिवासी हैं, भुइयां हैं, गंजू हैं, जंगलों में रहते हैं, महीनों महीनों तो उन्हें महुआ उबाल करके खा करके जीना पड़ता है। मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। मैंने पहली बार समझा कि गरीबी ऐसी भी होती है कि कोई भी दोनों समय आदमी नहीं खा सकता है। अगर वो मैंने देखा नहीं होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि गरीबी क्या होती है। एक एक कपड़ा धो धो करके लोग पहनते थे, महुआ खा, चीजें गड़ गईं। लोगों के प्रति मेरे मन में और गरीब लोगों के प्रति मेरे मन में संवेदना बढ़ गई। पुलिस से इतने डरते थे वो। वहां से मुझे बेगूसराय भेजा गया। बेगूसराय अपराध के मामले में शीर्ष स्थान पर बिहार में था। जितने बिहारी हैं इस बात को जानते हैं क्या हालत थी बेगूसराय की 90 के दशक में। इतने दुर्दांत अपराधी थे, बड़े बड़े, और जाने के 8 महीने के अंदर मुठभेड़ों में 40 लोग मारे गए, क्लीन मुठभेड़। कोई नहीं कह सकता कि कोई फर्जी मुठभेड़ थी, किसी को पकड़ करके मार दिया गया। हजारों लोगों ने सरेंडर किया, लाइन लगी रहती थी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, और जो एक बार जेल जाता था वो बेल करा करके बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आप 93-94 का जो हमारे मित्र देखे, और 94 दो वर्ष जहां मैं एसपी रहा, उसका अपराध आंकड़ा का अध्ययन करें। मेरे जाने के 6 महीने के बाद कैसे हालात बिगले, बदले। रोड डकैती 0, पेट्रोल पंप लूट 0, हाउस डकैती 0, बैंक डकैती 0, फिरौती के लिए अपहरण 0। जादू नहीं था, यहां वहां के लोगों का कमाल था। मैं अपनी काबिलियत नहीं गिना रहा हूं, मैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहा हूं कि जाने के बाद 500 गांवों में मैंने नौजवानों को संगठित किया, और हमने बोला कैसा बेगूसराय चाहिए, क्या चोर रंगदार और अपराधी केवल यहां रहेंगे या आम आदमी को भी शांति से जीने का हक है। नौजवानों ने कहा नहीं, शांति चाहिए, आम आदमी को शांति चाहिए, हम अपराध की संस्कृति के खिलाफ हैं। हमने कहा खड़ा हो मेरे साथ, मेरा सहयोग करो, और नौजवान जागे, खड़े हुए, मेरे साथ सहयोग किया सूचनाओं से। उसका नतीजा हुआ कि 40 अपराधी मारे गए, हजारों ने सरेंडर किया, और अपराध का ग्राफ ड्रास्टिकली गिरा। आंकड़ा का अध्ययन करके आप देख सकते हैं। 2 साल से कुछ 2-4 महीने अधिक हुए थे, ये मध्य बिहार पूरा जल रहा था नक्सली हिंसा के चपेट में।
चरमपंथी वामपंथी ताकतें भी आपस में लड़ रही थी, CPIML वर्सेस पार्टी यूनिटी, पार्टी यूनिटी वर्सेस CPIML, कहीं कहीं MCC था। और फिर इनके विरोध में जो ताकतें खड़ी हुई थी लड़ने के लिए, उनसे जब लड़ाई होती थी तो ये साथ हो जाते थे। इस लड़ाई के दौरान में बड़े बड़े जनसंहार हुए, गया से लेकर जहानाबाद, औरंगाबाद, और जहानाबाद को तो लैंड ऑफ मसाकर कहा ही जाता है। बाथे हुआ, सेनारी हुआ, मियाचक हुआ, गया में बारा हुआ। ये उन जनसंहारों की बात कर रहा हूं जिसमें 30-30, 40-40, 70-74, 74 आदमी एक एक घटना में मारे गए या कसाई की तरह काटे गए। मैंने देखा है, सब देखा है, अपनी आंख से देखा है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, यह मेरा भोगा हुआ साहित्य है जिसको मैंने देखा है। बाथे में 74 लोगों की नृशंस हत्या हुई। मैं गया था, औरंगाबाद का SP था मैं, पूरा मुख्यालय से कम्युनिकेशन कट गया था जहानाबाद से पुलिस मुख्यालय का। मुझे खबर हुई तो सबसे पहले मैं पहुंचा था, मैं औरंगाबाद से जाकर के रात में 2 बजे अकेले 2 बॉडीगार्ड के साथ, बुद्धू भी था मैं, इमोशनल आदमी बेवकूफ भी होता है। जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो उस गांव में 2 बॉडीगार्ड के साथ 2 बजे रात को अकेला पहुंच गया मैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, ये सही बात सुना रहा हूं। लाशों को गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 34, पागल हो गया मैं। औरतों की लाशें हैं, पुरुषों की लाशें हैं, हर उम्र के बच्चों की लाशें हैं, किशोरों की लाशें हैं, नौजवानों की लाशें हैं। मैंने खबर किया मुख्यालय को, बहुत बड़ी घटना हो गई है। 5 बजते-बजते तो पूरी दुनिया पहुंच गई, हजारों सिपाही और अधिकारी और कई 100 प्रेस और मीडिया के लोग। दिन होने के बाद तो बड़े बड़े नेता भी पहुंचने लगे, लेकिन सबसे पहले मैं पहुंचा था। उस दौर को मैंने देखा है, बहुत पीड़ा होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। सेनारी की घटना हुई, कसाई की तरह लोगों को काटा गया था, सही संख्या याद नहीं है लेकिन 40। मैं सबसे पहले पहुंचाने वाला वहां था। मैं जहानाबाद का SP नहीं था, मैं औरंगाबाद का था, लेकिन औरंगाबाद का जिला प्रशासन कोई नहीं वहां पहुंच सकता था। गांव में इतना विरोध था, प्रतिरोध था। मुझे कहा गया कि आप ही हैं, क्योंकि मैं जहानाबाद से औरंगाबाद गया था, सब लोग मुझे जानते थे। आप जाएंगे तो लाश लोग उठने देंगे, लोग नेताओं को खदेड़ रहे थे। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोई गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और मैं गया, लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरी बात रखी और लाश उठी। सबसे पहले मैं गया, वो दृश्य देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से देखा है। और मेरे मन में एक पीड़ा उठी कि ये जातीय संघर्ष क्यों, ऐसे कैसे बनेगा नया बिहार। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, त्याग की धरती है, तपस्वियों की धरती है, मनुष्यों की धरती है, ऋषियों की धरती है, बलियों की धरती है। और ऐसे ऐसे 50 जनसंहार हुए होंगे, ये बड़े जनसंहारों की गिनती मैं आपको बता रहा हूं। कहीं 5 मारे गए, कहीं 7 मारे गए, कहीं 8 मारे गए, उसकी गिनती नहीं कर रहा हूं, वैसे 50 हुए। ऐसे माहौल में मुझे जहानाबाद भेजा गया था, इस तरह से जल रहा था पूरा। अय्यारा गांव जो आज अरवल जिला में पड़ता है, वो जहानाबाद का पार्ट था। एक बारात पार्टी पर 7 बजे शाम में हमला होता है, 13 लोग मारे जाते हैं। और मुझे उसी दिन औरंगाबाद से अकेला ट्रांसफर करके जहानाबाद कहा जाता है, 2 घंटे में पहुंचे जहानाबाद में। अब ये जो घटना हुई, इसकी प्रतिक्रिया में एक बड़ा जनसंहार हो सकता है। और मैं ये 2 घंटे में दौड़ा करके जहानाबाद भेजा गया, 1 साल रहा, एक भी कोई जनसंहार नहीं हुई।
गांव गांव में घूमता, दलितों के गांव में, शोषितों के गांव में, वंचितों के गांव में, सवर्णों के गांव में, दबंगों के गांव में, सबके चौपाल पर, सबके दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ जोड़ करके पूरे जिले को गलबंद किया, हर गांव के लोगों को, हर जात के लोगों को। जहानाबाद से मुझे चुनाव लड़ना था क्या? बेगूसराय में 500-700 लोग गांवों में जाकर के शांति समिति नौजवान, वो अभी सक्रिय हैं हमारे लोग, बेगूसराय से उस समय हमको कोई चुनाव लड़ना था क्या? औरंगाबाद गया, 800 से अधिक गांव में मैंने, मुझे तो ठीक से गांवों की संख्या याद नहीं है, लेकिन सदस्यों की संख्या 54,000 एक्टिव वर्कर्स बनाए शांति निगरानी समिति। कामेश्वर बैद जी हैं, उस समय वो 55 साल के रहे होंगे, अभी 24 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो 75-80 के आसपास हो चुके हैं, अभी जिंदा है। 54,000 एक्टिव सदस्यों की सूची, रजिस्टर, नाम, पते, उनका फोटोग्राफ आज भी है, आप जा करके देख सकते हैं। औरंगाबाद से मुझे 23-24 साल पहले चुनाव लड़ना था, गांव गांव में जाकर के सभाएं करता था, एक एक गांव में, एक भी जनसंहार नहीं हुआ। यहां रहा हूं, यही करते रहा, कम्युनिटी पुलिसिंग से मेरा इस तरह का रिश्ता रहा है, लोगों से जुड़ करके, क्यों मानता हूं पुलिस का काम है क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था का संधारण, और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक न अपराध नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से होगा, न विधि व्यवस्था का संधान। जब कभी बिहार में फसाद का माहौल हुआ, कहीं तनाव हुआ, कहीं भी किसी भी जिले में, जहां वहां मैं एसपी रहा हूं या ना रहा हूं, मुझे ही सरकार क्यों उतारती है, भेजती थी, हेलीकॉप्टर से उतार दिया जाता था या गाड़ी से भेज दिया जाता था, मुझे मेरे साथ कोई कमांडो, अतिरिक्त बल, कुछ भी नहीं भेजा जाता था, अकेला। सरकार कहती थी वहां एसपी हैं, कलेक्टर हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, आईजी हैं, सब कैंप कर रहे हैं, पर्याप्त संख्या में बल है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, दंगा हो जाएगा, हो रहा है, होने वाला है, आप जहां हैं वहां भागिए। तब जबकि मैं मेन स्ट्रीम में नहीं था, मैं डीजी बीएम हूं या बीएमपी में पोस्टेड हूं या स्पेशल ब्रांच में, कहीं और, कहीं का और, कहीं और, जो मेन स्ट्रीम की पुलिसिंग नहीं है वहां भी, फिर भी मुझे भेजा जाता। और मेरे पहुंचने के पहले, जहां जब मैं पहुंचता था उस तक, तब तक आधा समस्या समाप्त, 50% प्रॉब्लम ओवर। क्यों? ये मेरा कोई जादू थोड़े ही है, मैं अपनी अपनी कोई काबिलियत नहीं बता रहा हूं, ये पब्लिक कनेक्टिविटी है। हर जिले के हजारों लोगों के मोबाइल के नंबर मेरे पास सेव हैं, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, हर जाति, हर कौम के। मैं जाने के पहले यहां से फोन से सबसे संपर्क करने लगता था, और कम से कम 100 इधर के, 100 उधर के, दोनों पक्षों लोगों से बात करके उनको काम में लगा देता था। मेरी इज्जत की बात है, सरकार की साख की बात है, बचाइए इसको। और सब लोग लग जाते थे जब तक मैं पहुंचता था, और हजारों बार ऐसा हुआ है, विधि व्यवस्था की समस्या मेरे सामने, और किसी भी जो भी पुलिस अफसर हैं, 34 साल लंबा टाइम होता है, अधिकांश समय मैं जिलों में रहा हूं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन मैं शुरू से अंत तक जब तक एसपी रहा जिले में रहा, अपवाद को छोड़कर, डीआईजी जब तक रहा रेंज में रहा, आईजी जब तक रहा जोन में रहा, हर जगह। तो इतनी लंबी सेवा अवधि में हजारों ऐसे अवसर आए विधि व्यवस्था की, जहां गंभीर समस्या हो सकती थी, गोली चल सकती थी, लाशें गिर सकती थी, एक बार भी मैं कभी, मुझे याद नहीं कि 34 साल में एक बार भी मैं असफल हुआ। आपका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद, जहां गया प्रॉब्लम समाप्त। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का कमाल है, हर जगह। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 34 साल की सेवा अवधि में फील्ड में रहते हुए, कठिन कठिन जिलों में रहते हुए, 8-9 जिलों में कप्तान रहा हूं, चतरा में रहा हूं, हजारीबाग में, जहानाबाद में रहा हूं, अरवल में रहा हूं, बेगूसराय में रहा हूं, नालंदा में रहा हूं, औरंगाबाद में रहा हूं, मैंने जीवन में कभी भी गोली चार्ज तो छोड़ दीजिए, लाठी भी चलाने का आदेश नहीं दिया है पब्लिक पर।
और एक बात बताऊं तो आपको शायद विश्वास न हो, 34 साल की इस नौकरी में एक भी शोषित, दलित, वंचित, गरीब, अकलच्छा, कोई भी आम जनता, जो निर्दोष जनता को मैंने तमाचा तो लगाने कोई सवाल ही नहीं है, मैंने उखड़े भाषा में संबोधित भी नहीं किया है, आदर से बुलाया है। मेरे यहां मिलने का कोई समय नहीं रहा, 24 घंटे जिसको जरूरत, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैर भी नहीं, जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं, कभी भी किसी समय आफत की स्थिति में दरवाजा खटखटा सकता है। ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, जहां जहां SP रहा हूं वहां वहां जाकर पूछ लीजिए, चाहे वो औरंगाबाद, चाहे वो जहानाबाद, चाहे वो अरोल, चाहे वो नालंदा, चाहे वो बेगूसराय, अब तो इतने ही जिले बचे बिहार में जहां मैं SP रहा हूं, झारखंड का नाम छोड़ दे रहा हूं, जीवन भर जनता के लिए, खासकर उनके लिए जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है। जनता से जुड़े रहना मेरे स्वभाव में शामिल है। DGP बनने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय का दरवाजा गरीबों गुरबों के लिए खुल गया। कोरोना शुरू में तो 2-3 महीने बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन एक बड़ा सा हॉल नीचे खोल दिया गया कि कोई भी रिक्शा वाला, ठेला वाला, जूता सीने वाला, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति किसी जात का, किसी मजहब का, किसी धर्म का, सीधा बिना पैरवी के, बिना रेफरेंस के DG के दरवाजे पर ऑफिस में आ सकता है, सम्मान से उसको बैठाया जाए। एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि DG साहब के यहां जनता दरबार में गए, हमको भगा दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। ये कह सकता है कि हमारा काम नहीं हो पाया, ये नहीं कह सकता कि भगा दिया गया। कोरोना में जबकि मिलना मना है उसमें भी 150 आदमी आ जाते थे। कल जिस दिन मैंने VRS लिया है उस दिन तक एक एक आदमी की बात को सुनना, और 2-3 IPS अधिकारी मेरे साथ बैठते थे, संबंधित SP से फोन से बात करना, पूरा उनके आवेदन को कंप्यूटर पर चढ़ाना, फिर वहां SP की कार्रवाई की मॉनिटरिंग वीकली करना, इस तरह से काम किया। इसमें कोई राजनीति है क्या? काम करने का मेरा तरीका, गरीब का बेटा हूं ना, किसान का बेटा हूं, मैं कोई कलेक्टर का, कमिश्नर का, जज का, मंत्री का मैं बेटा नहीं हूं। मैं गरीब के दर्द को जानता हूं, किस तरह से थाना पर एक शोषित दलित गरीब का बच्चा जाता है और उसके साथ किस तरह का सुलूक होता है, मैं नहीं जानता हूं क्या? मेरे घर में सेंधमारी हुई थी, मैं 12 साल 10 साल का लड़का था, गांव में रहता था, और इटाढ़ी थाना जो मेरा लोकल थाना है, एक दरोगा जी आए थे मेरे घर में, चोरी, और मेरे अनपढ़ माँ बाप के साथ बदसलूकी मैंने देखा है खुद। ये भोगा हुआ साहित्य बता रहा हूं, इस तरह की। और मुझे जानकर ये बहुत ताज्जुब हुआ कि उसके बाद FIR नहीं हुआ। ऐसी बहुत कहानियां हैं, मैं सुना सकता हूं, लेकिन आपका भी समय कीमती है, मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं काम की बात, मैं कहां से आता हूं उसको देखिए। वो लोग जो मुझे गालियां दे रहे हैं वो देखें, उनको तो फख्र होना चाहिए कि एक गरीब किसान का बेटा जो इस बैकग्राउंड से आता है, वो अपने संघर्ष के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर और निष्पक्षता के बल पर, 34 साल की सर्विस में जितने भी बिहार में विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सब हमने कराए हैं किसी न किसी कैपेसिटी में, कहीं SP रहा हूं, कहीं DIG रहा हूं, कहीं IG रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं पब्लिकली, करोड़ों तक मेरी बात जाएगी, आज तक किसी भी दल के किसी भी स्तर के नेता ने
कार्यकर्ता ने, चाहे गांव का स्तर का हो, पंचायत का स्तर का हो, प्रखंड का स्तर का हो, जिला का स्तर का हो, या राज्य का स्तर का हो, या राष्ट्र का स्तर का हो, कभी मेरी निष्पक्षता और मेरी ईमानदारी प्रश्न नहीं उठा कि मैंने किसी एक पार्टी को मदद किया, मदद पहुंचाने की कोशिश की, किसी एक आदमी को नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने कुछ एक भी आदमी। अब कर सकते हैं, किसी ने पूरी सेवा अवधि में कौन ऐसे, आप सोचिए तो जरा, किसी भी दल के कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, विधायक हो, एमएलसी हो, एमपी हो, किसी भी दल के मुखिया हो, सरपंच हो, ब्लॉक के कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कह सकता है हम गए और डीजी साहब ने सम्मान नहीं दिया, इज्जत से बात नहीं की, हमारी बात नहीं सुनी। एसपी रहा हूं तब, डीआईजी रहा हूं तब, आईजी रहा हूं तब, और डीजीपी था तब, कल तक। अब हम भगवान तो है नहीं, दोष हम में भी है, हो सकते हैं। मैं भगवान, मैं खुदा हूं, कहां मैं क्लेम करता हूं कि मैं खुदा हूं, मुझे में कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं, मैं चरित्रहीन नहीं, मैं पक्षपाती नहीं, निष्पक्ष हूं। और ये बात वही बोल सकता है जिसके अंदर नैतिक बल हो, इतनी खुली चुनौती वही दे सकता है जिसके अंदर नैतिक बल हो, मॉरल फोर्स हो। मैंने किसी का कभी कोई नुकसान नहीं किया, अपने शत्रु के बारे में बुरा नहीं सोचा। परेशानियां बहुत उठानी पड़ी है और दुश्मन भी बहुत है। अब कोई मेरी पॉपुलरिटी से, मैं कहता हूं बिहार की जनता को, इतना प्यार मत करो कि कुछ लोग जलने लगे, जल करके मर जाएं। अब मेरी लोकप्रियता से किसी को जलन हो, या किसी के स्वभाव में ही ईर्ष्या हो, या राजनीतिक कारण से कोई मुझे अपनी अपने परसेप्शन के अनुसार मुझको अपना दुश्मन मान करके कोई टिप्पणी करता हो, तो उसको मुझे क्या टिप्पणी करनी है। लेकिन मैं तो बिल्कुल खुले दिमाग का सरल आदमी हूं और हृदय से बोलता हूं। मैं जो भी बोलता हूं उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, कोई राजनीति नहीं होती, मैं हृदय से बोलता हूं। इमोशनल आदमी हूं, बोलने में हो सकता है कहीं ज्यादा बोल जाऊं, लेकिन भाव, इंटेंशन मेरा गलत नहीं होता। बहुत सारे लोग मेरे वीआरएस लेने के पहले से इस तरह का बयान दे रहे हैं जिसे मुझे राजनेता समझता, मजबूर कर दिया मेरे को वीआरएस लेने का, कोई इरादा नहीं था। कोई बिहार के बाहर से बोलता है, और यहां भी लोग हैं। एक महीने से क्या हो रहा है, एक महीने से हमको सोने नहीं दिया। 500 से 1000 कॉल्स, उनको 5200-5400 व्हाट्सएप पर मैसेजे जाते हैं, कोई आदमी देख सकता है बताओ, और 1000 कॉल आएगा तो कोई आदमी बात कर सकता है, एक एक 30-30 सेकेंड भी बात करना संभव है क्या, कैसे करेगा, कैसे करेगा। आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं, आज दे देंगे, कल दे देंगे, चुनाव लड़ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। एक महीना से एक महीना पहले एक भाई ने पोर्टल पर चला दिया, इस्तीफा दे दिया, तो मैंने लिखा कि भाई इस पत्रकारिता को आप क्या कहिएगा। लेकिन रोज पोर्टल में कहीं ना कहीं से, और अच्छे अच्छे लोग भी, बड़े बड़े पत्रकार भी फोन करके, कब दे रहे हैं, कब राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, और इतना हंगामा मचा दिया कि पूरा पब्लिक परसेप्शन ऐसे हो गया जैसे मैं राजनीति में जाने वाला हूं और मैं इस्तीफा आज या कल देने वाला हूं, और उसको लेकर के राजनीतिक लोगों को भी चिंता होने लगी और राजनीति से प्रेरित कमेंट्स भी आने। अभी बिहार में चुनाव का माहौल है, किसी दिन आचार संहिता लागू होगी, आज भी हो सकती है, कल तो हो नहीं जानी चाहिए, परसों तक नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा अनुमान है। काम तो मुझे बिहार सरकार का अधीन अब करना नहीं है, आचार संहिता लग जाती तो, वो तो करना है भारत के चुनाव आयोग के अधीन।
इस तरह का आप न्यूज चलाएंगे, इस तरह का आप पोर्टल करेंगे, पोर्टल पर न्यूज चलाएंगे और इस तरह का माहौल आप बना देंगे, तो भारत का निर्वाचन आयोग भी मेरी निष्पक्षता पर डाउट करने लगेगा। आप ऐसे करते हैं जैसे हम किसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए, दल आज तक नहीं किया, जो 34 साल तक नहीं किया उसका कैरेक्टर ही नहीं है, उसको कैरियर के लास्ट 3-4 महीने में वो चाहेगा कि हम कलंक लग जाए, दाग लग जाए। मुझे पता है मेरे खिलाफ शिकायतें भी होने लगी, इतना विवाद में रख करके मैं कैसे चुनाव संपन्न करूं? मेरा हर सही और निष्पक्ष कदम भी सबकी नजर से देखा जाता है। मुझे ऐसी परेशानी का सामना करना था। मैंने तय किया कि अब दे देते, कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, दे दिया। अब चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हम एक बात करते हैं, जीवन भर तो तपस्या किया है, जनता के लिए जिया, मैंने कोई चुनाव की भी घोषणा तो नहीं की है, कोई पार्टी ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की है, इस्तीफा तो दे दिया। चुनाव लड़ना कोई पाप है? अगर कोई वीआरएस लेकर के चुनाव, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं क्या या करूंगा क्या, ये कोई पाप है, ये गैर कानूनी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है क्या, अनैतिक है क्या? हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, अगर घोर 500 मुकदमे के जिन पर एफआईआर, अगर ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, मैंने कौन सा ऐसा अपराध, एक गरीब किसान का बेटा नहीं लड़ सकता क्या चुनाव, जिसका 34 साल का की सेवा बेदाग रही है, कैरियर वो नहीं कर सकता है क्या? इसमें कोई पाप है अगर मैं लड़ना चाहूं तो भी? क्या बात है, मुझे समझ, कुछ लोग सुशांत के केस से इसको जोड़ लेते, ओ ये इसलिए इतना बोल रहे थे, देखिए कुछ महान महान लोग ट्वीट कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं, ये इसलिए इतना बोल रहे थे कि इनको तो चुनाव लड़ना था। अरे बिहार में जो लोग हमको जानते, बिहार के बाहर वाले बोले तो बात, मुझे चुनाव लड़ने के लिए उतना बोलने की जरूरत नहीं थी, बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं कभी डीजीपी जैसा रहा नहीं, मैं तो सबके भाई बनकर, बेटा बनकर, उनका सेवक बनकर, मैं तो जनता का डीजीपी हूं, वो आ करके देखे तब ना। क्या किया सुशांत के केस में गलत, मैंने अपराध कर दिया, हमको जबह कर लिएगा, फांसी लगा जाएं, मेरा खून कीजिएगा, गाली तो दे ही रहे हैं, अपमानित कर ही रहे हैं, वो मैं तो हंसते हंसते झेल रहा हूं, गोली मारिएगा, हत्या करिएगा मेरी, कौन सा अपराध कर दिया मैंने? बिहार का बेटा था वो, पूरे देश की शान था वो, और जिस तरह से उसकी मौत हुई है रहस्यमय ढंग से, और जितना उसमें ड्रामा हुआ है, मैंने अपने यही ना अपराध किया कि 14 जून को सुशांत की मौत हुई और 21 जून को सब खत्म, शांत, मैंने एफआईआर करा दिया, उसका 74 साल बूढ़ा बीमार लाचार बाप अगर आकर के कहता है कि हमको शक है कि इस बेटे की मौत जो हुई है मेरी, उसमें कोई ना कोई ये लोग किसी न किसी तरह से जिम्मेदार हैं, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसमें मनी ट्रेल है, मैं तो विधिवेत्ता नहीं हूं,
मुझे तो कानून का बहुत सीमित ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लॉ जितना जरूरत पड़ती है पुलिसिंग के लिए, वो उससे मैं जज करता हूँ कि इसमें मनी ट्रेल है तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी बनता है, क्योंकि सुशांत के पिता अस्थायी रूप से पटना में रहते हैं और इसी विजडम के आधार पर मैं डिसीजन लेकर के पटना में FIR कर देता हूँ। पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, गैरकानूनी काम किया क्या? अब इस पर बहस मत कीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि नहीं ठीक किया, इसमें कोई गैरकानूनी है, इस पर क्यों बहस करते हो? एक महीना तो टीवी पर डिबेट चला, बड़े बड़े विधिवेत्ता बैठे ना, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं। अधिकारियों की टीम भेज दी मुंबई जांच करने के लिए, गैरकानूनी काम किया क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो नहीं कहा कि गैरकानूनी काम किया, उसको किस तरह से आपने बेइज्जत किया आप देख लीजिए, धक्के दे करके क्या क्या कर रहे हैं, टेम्पो में घूम रहे हैं अधिकारी, उनके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS अफसर को भेजा तो रात में 11:30, 11:30, 12 बजे मध्य रात्रि को जा करके चोर की तरह उसके हाथ पर टप्पा मार करके उसको कहते हैं कि आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते, कोई केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, किसी का स्टेटमेंट नहीं ले सकते, ऐसे किया जाता है क्या? अरे उसको 2 लाइन का नोटिस दे देते कि आप क्वारंटीन हो गए, कहीं निकलिएगा नहीं, नहीं निकलता वो जानता है कि क्वारंटीन कर दिया, निकलेंगे मुकदमा हो जाएगा, हमको जेल डाल देंगे। पढ़ा लिखा आदमी है ना, IPS अफसर है, विनय तिवारी पटना का CTS। अरे सिपाही को भी ऐसे बेइज्जत नहीं करते। आपने एक IPS अफसर को इस तरह से बेइज्जत कर दिया, पूरे देश में क्या मैसेज गया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा गलत है ये, नहीं करिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने मोर्चा खोला। जिस दिन यहां सुशांत के मौत की खबर आई, उस दिन पहली बार सबसे पहले मैं गया सुशांत के फादर से मिलने। उस दिन उसमें कोई राजनीति थी क्या? मुझे भी मालूम था, दुनिया को किसी को मालूम था क्या कि सुशांत की मौत के पीछे इतनी बड़ी मिस्ट्री हो सकती है? कुछ नहीं, हम भी यही जानते थे, सुसाइड कर संवेदना प्रकट करने गया था। उस दिन पुलिस कमिश्नर मुंबई को मैंने फोन लगाया, क्यों नहीं फोन उठाया? अच्छा, नंबर नहीं पता होगा, ठीक है। मैसेज दिया कि मैं DGP गुप्तेश्वर पांडे बात करना चाहता हूँ सुशांत की मौत के बारे में, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया? ये जनरल कटसी नहीं है, DGP हूं ना। एक महीने तक कोई जवाब नहीं। क्वारंटीन किया गया विनय पांडे तिवारी को। उसी में DG साहब को फोन लगा रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप हस्तक्षेप कीजिए। और क्या उपाय था? अपने अपर मुख्य सचिव गृह से कह रहा हूं कि आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में बात कीजिए। ये लगा रहे हैं फोन, वहां के अपर मुख्य गृह सचिव फोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, बातचीत एकदम बंद। उपाय क्या था मेरे पास? कम्युनिकेशन चैनल को किसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया? अरे हमारा अफसर वहां क्वारंटीन है, 4 अफसर हमारे और फंसे हुए हैं, और उसको क्वारंटीन करके ठप्पा लगा कर आप हाउस अरेस्ट किए हुए हैं, बात कर रहे हैं ना, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैसेज का, हम चुप लगा के बैठ जाए? हमको रिएक्ट करना था। उस दिन से मैं अग्रेसिव हुआ हूं। उसके पहले मैंने मुंबई पुलिस को हमेशा डिफेंड किया। हमारे 4 अधिकारियों को अपमानित किया गया, धक्का दिया गया, तब भी मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर सब लोगों ने देखा किस तरह उनको पुश किया जा रहा है। लेकिन जब एक IPS अफसर के साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खुल करके मुंबई पुलिस के खिलाफ मोर्चे में उतर गया और मैंने कहा जरूरत पड़ेगी इस्तीफा भी दूं। खुद करके उतर गया मैं और बोला जितना बोल सकता था उतना बोला, और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, वहां के DGP वहां के पुलिस कमिश्नर, किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। रिया चक्रवर्ती के बारे में जरूर कहा कि उनकी औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी, वो इसलिए, औकात का मतलब होता है स्टेचर,
और हमारे यहां जो FIR हुआ है उसकी प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए अभी उनका वो स्टेचर नहीं है कि संवैधानिक पद पर बने हुए किसी आदमी के बारे में वो कोई टिप्पणी करें, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करें। उसको लेकर आपने ट्रोल करना शुरू किया, मैंने माफी मांग लिया, मेरी बात को समझा नहीं गया, उसको ट्विस्ट किया गया। लेकिन मैंने तुरंत महसूस होता ही माफी मांग लिया कि अगर इससे अगर उनको तकलीफ पहुंची हो या तो मैं माफी मांगता। मेरे अंदर ईगो ही नहीं है, मेरे मुझे किस चीज का ईगो होगा, मैं तो गरीब का बेटा हूं ना, किसान का बेटा हूं, संघर्ष करके आया हूं। हर आदमी की इमोशंस को समझता हूं, सेंटिमेंट को समझता हूं, हर आदमी की इज्जत की है। मेरा दोस्त कौन, आज भी जूता सीने वाले तक, पान की गुमटी चलाने वाले तक, भैंस चराने वाले, गांव में रहने वाले किसान मजदूर हजारों की संख्या में मेरे दोस्त हैं। मैं गांव चलता हूं, मेरे साथ चल करके देखिए, हमारे साथ जो पढ़े लिखे हैं गांव में खेती करो, मेरे कॉलर पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, ऐसे इधर आओ उधर आओ, बड़े आदमी हो गए, बड़े हाकिम हो गए हो, और मैं मुस्कराता हूं, उनके साथ चल देता हूं। अहंकार दूसरे को होगा, मेरे को तो कुछ नहीं है। मेरी कमाई मेरी विनम्रता ही, जमीन का आदमी हूं, संघर्ष आगे बढ़ा, सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था। मेरे VRS को सुशांत के केस से क्यों जोड़ करके देखते, मुझे VRS लेना होता, सुशांत का केस नहीं होता, नहीं ले लेता। आपने ऐसा माहौल बना दिया कि मेरे को निष्पक्ष रहने नहीं दिया, मुझे विवाद में डाल दिया आपने। और बिहार में चुनाव है, चुनाव का माहौल है, आप मुझे कभी इस पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, कभी उस पार्टी से जोड़ दे रहे हैं, मुझे पार्टी का आपने खुद ही बना दिया प्रवक्ता, मुझे आपने पार्टी का कार्यकर्ता मान लिया, बना दिया, कैसे निष्पक्ष, ऐसे में अपना दाग लाऊं चुनाव में, हम पर हजार पिटिशन पड़ते, इनको मदद कर रहे हैं उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, दाग लगा के जाऊं जिसमें 34 साल में दाग नहीं है। छोड़ने के अलावा उपाय क्या था, छोड़ दिया तब मेरे पास उपाय क्या है ये बताइए। मैं कोई पार्टी में ज्वाइन कर लूं और मैं चुनाव लड़ जाऊं और पसंद अपनी पसंद की पार्टी ज्वाइन कर लूं, चुनाव लड़ जाऊं, तो ये आप तय करिए कि अनैतिक है, गैरकानूनी है, या अपराध है, या पाप है, आप क्या चाहते हैं। मैं मर जाऊं, हार जाऊं, थक जाऊं, आपके गाली देने से डर जाऊं, चूहे की बिल में घुस जाऊं, आपके ट्रोल करने के डर से, और उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो मुझसे इमोशनली जुड़े हैं, जो इस गरीब किसान के बेटे को प्यार करते हैं, जो मेरी ताकत है, उनके सेंटिमेंट को हमको नहीं देखना चाहिए। अरे हताशा और फ्रस्ट्रेशन में मैं डर करके बैठने वाला थोड़ी आदमी हूं, मैं जनता की सेवा में रहा हूं और जनता की सेवा में रहूंगा, और सुन लीजिए, अगर मौका मिला तो मैं चुनाव लड़ने का भी निर्णय लूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं। अब नौकरी में था तो मेरी सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन मैं स्वतंत्र नागरिक हूं और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं चुनाव में भी आऊंगा, और इसलिए आऊंगा, पैसा कमाना रहता तो DGP रहते हुए चोरी करके पैसा कमाना है हमको, और नाम और शोहरत की जरूरत है कि राजनीति में जाने से मुझे अच्छा नाम और शोहरत मिले, नहीं, सेवा, सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूं राजनीति को, और मैं आ गया तो मैं बता दूंगा कि सेवक को कैसा होना चाहिए, गरीब, शोषित, दलित, वंचित, बड़े, अमीर, हर जात, हर वर्ग के लोगों विश्वास को कैसे जीता जाता है। ये प्रयोग तो मैंने 34 साल की है, गरीबों का दिल जीत करके मैं ये दिखाऊंगा, और पूरी दुनिया आकर के देखेगी कि सेवक क्या होता है। मेरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत का केस के पीछे राजनीति, कोई राजनीति नहीं थी। अरे आप सोचिए, सुशांत आपका बेटा होता तो क्या करते आप, मैंने माना कि वो मेरा बेटा है इसीलिए इतना बोला, आपका बेटा अगर ऐसे झूल जाए
मौत हो जाए उसकी, आपको कैसा लगेगा? और सुशांत को जस्टिस दिलाने के ही लिए मैंने केस किया ना, उसी के लिए मैंने टीम भेजी ना, उसी के लिए केस को सीबीआई को रिफर करवाया ना बिहार सरकार से। सब जो जो मैंने किया उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना, आप होल्ड किया, कहा कि इसमें तो इसमें आपको कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही कह देता केस करना गलत था, टीम भेजना गलत था, सीबीआई को रिफर करना गलत था। जिस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको कहा कि आपने गलत किया कि क्वारंटीन किया, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं ना कि मेरे वीआरएस को जोड़ दे रहे हैं सुशांत के केस से। आपको पता नहीं है बिहार की जनता मुझे कितना प्यार करती है, 2-4 सौ 50 हजार 500 तो इतनी बड़ी आबादी है, तो गाली देने वाले यहां भी रहेंगे वहां भी रहेंगे। मैंने 60 साल की उम्र में और 34 साल की सेवा में एक भी गलत काम नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया। गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी को अपने पास आने से रोका नहीं है, उसके दरवाजे तक भी गया। एक महादलित की बच्ची को मैंने कन्यादान दिया आज से 8 साल पहले अपने घर में, मैंने और मेरी पत्नी ने बेटी की शादी की अपने घर में, माणो मंडप बना करके अपने घर में। ब्राह्मण हूं मैं, ब्राह्मण के घर में मंडप डाल करके महादलित की बच्ची को कन्यादान दिया, गरीब बच्ची को। उसके बाप का नाम है रामनाथ राम, जिला बक्सर, मेरे ही गांव के बगल का है। पड़ताल करिए, जांच कीजिए, शोध कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। वो भय आदमी जिंदा है, बच्ची भी है, उसके बाप भी हैं, उसकी माँ भी है। मेरे घर में मंडप बना और हम लोगों ने उसकी शादी की। उस समय कौन चुनाव था और कौन राजनीति थी? बाढ़ में एसपी था, 10 साल तक एक दलित बच्चे ने मुझे खाना बनाकर खिलाया, बेटी की तरह रखा उसको, बाद में उसकी नौकरी कहीं लग गई, चला गया। 30 साल पहले कौन चुनाव लड़ना था, कौन राजनीति थी? मेरा स्वभाव है, आप बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। गरीबों के बीच से आया हूं, उनके संघर्ष को देखा है, खुद उस जीवन को झेला है। मुझे क्यों विवाद, मुझसे क्यों थ्रिटन भी फेल करते? मैं किसी के लिए चुनौती नहीं हूं, मैं तो केवल जनता की सेवा करना चाहता हूं। में क्या क्या काम किया गिनाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विधि व्यवस्था अपराध पर जो लोग टिप्पणी करते हैं और न्यूज बनाते हैं उनको जानना चाहिए। आज की तिथि में बिहार के अंदर एक भी संगठित गिरोह सक्रिय नहीं है। फिरौती के लिए अपहरण लगभग शून्य है, 2-4 इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, कोई बड़ा गिरोह सक्रिय नहीं है। फिरौती की अपहरण की घटनाएं तो बिहार में बहुत आम थी, स्टे इंसिडेंट होते हैं, लूट की घटनाएं होती हैं, डकैती की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं, गिरभेदन की घटनाएं होती हैं, ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स यहां नहीं है। और बिहार में जैसे बटा हुआ था इलाका, इस दादे का ये इलाका, इस दादे का ये इलाका, और जिस तरह गाड़ियों में लोग राइफल और बंदूक खिड़कियों से निकाल करके और 20-20, 25-25 गाड़ियों के काफिलों में रंगदार लोग चलते थे, वो माहौल बिहार में तो नहीं है। और विधि व्यवस्था की आप बात करेंगे, सुना कहीं बिहार में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ कहीं? और एक से एक कठिन परिस्थितियां भी आई, बहुत राज्यों में तनाव के माहौल भी हुए, चाहे वो आर्टिकल 370 और 35 का मामला हो, राम जन्मभूमि का फैसला हो, CII हो, NRC का मामला हो। बिहार अपनी धुरी पर खड़ा रहा, आपने देखा कोयला एंड ऑर्डर की समस्या हुई कहीं? कहीं गाड़ी जलाई गई, कहीं गोली चली, कहीं लाश गिरी, कहीं विधि व्यवस्था की समस्या हुई? सारे बिहारी इस मामले में
धन्यवाद के पात्र हैं पूरी बिहार की 12 करोड़ जनता, जिसने बिहार में पूरी तरह से हर स्थिति परिस्थिति में शांति बनाए रखा। ये बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का सुख। होली बीता, दिवाली बीता, रामनवमी बीती, ईद बीती, मुहर्रम बीता, दशहरा बीता। आपने सुना बिहार में कहीं कोई सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ, कहीं कोई फसाद हुआ? अब किसी भी दिवस तो चाहिए। अब जिस राम राज्य की आपकी परिकल्पना है शायद वैसा ना हो। ये सब जनता के सहयोग से हुआ है, मेहनत किया है मैंने, रात दिन मेरे टीम के साथियों ने मेहनत किया है, थानेदार से लेकर सिपाहियों से लेकर आईपीएस ऑफिसर तक सब लोगों ने मेहनत किया है। और इसमें सरकार का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरपूर सहयोग रहा है, क्योंकि पुलिस काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। इसको भी अब राजनीतिक बयान मत मान लीजिएगा, आप उनके विरोधियों से भी पूछिए कि पुलिस को काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, किसी चोर गुंडा अपराधी की कोई भी पैरवी करने की हिम्मत नहीं करता बिहार में, तो वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण है, गुप्तेश्वर पांडे के कारण नहीं है। तो इस अच्छे काम के लिए उनको धन्यवाद दे दूंगा, ये भी पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये सच है, पुलिस के काम में कभी वो हस्तक्षेप नहीं करते। और इसीलिए बिहार में अपराध कहीं भी हो, कोई भी हो, लेकिन हर आदमी को इसके बात का डर है कि पुलिस जिसकी गर्दन पर हाथ रखना चाहेगी वो रख देगी और कोई बचा नहीं सकता। ये माहौल एक कम बड़ी बात समझते हैं क्या? अब दूसरे किस राज्य में, किस राज्य की पुलिस को इतनी आजादी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिहार में यह है। अच्छा चीज को तो आप एक्सेप्ट करिएगा। आऊंगा, हो सकता है कि मैं आऊं। इस्तीफा दे दिया ना, मेरी औकात बताया ना, किस परिवार से आता हूं, किस तरह से झोरा बोरा लेकर के जा, वही झोरा बोरा मेरी औकात है। और सेवानिवृत्ति के बाद अब इस कोर्ट 5 महीना 5.5 महीना तो और सेवा कर सकता था, ऐशो आराम से रह सकता था। ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये गाड़ियों का, ये जितने संसाधन है मेरे साथ थे ना, और उसके बाद भी मेरे पास बड़े बड़े ऑप्शन थे। मैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पोस्ट पर 3 साल के लिए 5 साल के लिए बैठ सकता था, बैठ सकता हूं, किसी भी कॉरपोरेट में ज्वाइन कर सकता था, कर सकता हूं। मुझे सालाना 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज के ऑफर्स हैं, नहीं करूंगा, न किसी संवैधानिक पद पर बैठूंगा, न किसी कॉरपोरेट की नौकरी करूंगा। मेरी औकात वही झोरा बोरा की थी, और ये बक्सर की माटी कसम खा करके, सौगंध खा कर कहता हूं, उसी बक्सर से वही झोरा बोरा लेकर के मैं आया था पटना, और पटना से वही रिटायरमेंट लेकर के, वही झोरा बोरा लेकर के वापस अपनी मां की गोद में, बक्सर की धरती की गोद में जाऊंगा, और मेरी औकात उतनी ही है। बक्सर का, बिहार का नाम कहीं काला नहीं किया। बक्सर के और बिहार के लोग कह सकते हैं कि जब तक रहा शांत से रहा, रुतबे से रहा, और इसी स्टाइल में पूरी जिंदगी भर नौकरी किया। अब जो नहीं जानते, जो पहली बार सोशल मीडिया के थ्रू हमको सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनको लग रहा है अरे डीजीपी इतना कैसे बोलता है, ऐसे ही बोलते हुए नौकरी की हूं, किया हूं मैं। 34 वर्ष तक सार्वजनिक मंच से मैं पुलिस की भी निंदा करता रहा हूं, गरीबों पर शोषण मत करो, जुल्म करो, अत्याचार मत करो, गरीबों की बात सुनो, ऐसे ही बोलता रहा हूं। बिहार के लोग तो जानते हैं इस बात, वही झोरा बोरा की औकात है, वही झोरा बोरा लेकर के बक्सर अब जाऊंगा, मुझे नहीं फैसला लेना, मैं अब क्या करूंगा ये बक्सर के लोग तय करेंगे, फैसला उनको लेना है। उनका बेटा हूं, उनका बच्चा हूं, उसी मिट्टी से पैदा हुआ हूं, हमको नंगे घूमते हुए देखा होगा, बचपन देखा होगा, मेरा किशोरावस्था देखा होगा, उसी मिट्टी में लौटते पलटते हुए देखा होगा, वहीं से जवान होते हुए देखा होगा, और वहां से हमको डीजीपी बनते हुए भी देखे होंगे, और सेवानिवृत्ति ले चुका हूं कल, बस वही झोरा बोड़ा की औकात लेकर के मैं उन्हीं के दरवाजे जाऊंगा। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आप तय करिए कि मुझे अब क्या करना है।
उनकी जरूरत होगी, उनको जरूरत होगी मेरी सेवा की, उनकी सेवा करूंगा, नहीं जरूरत होगी तो मैं और कुछ करूंगा। लेकिन इतना थ्रिटेंड आप लोग मत होइए हमसे, इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों है लोगों में, इतने घबराए हुए क्यों लोग हैं। मैं किसी का नुकसान करने वाला नहीं हूं, मैं सकारात्मक राजनीति करूंगा। किसी राजनेता के बारे में अगर राजनीति में आने का मौका मिला, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा जो उसकी मर्यादा को या उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, ये मैं आपको वचन देता हूं। सैद्धांतिक विरोध मेरा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। एक मैं मापदंड ये मर्यादा मैं स्थापित करना चाहता हूं। आज देख रहा हूं राज्य किस तरह से गाली गलौज और किस तरह की छिछले स्तर की बातें एक दूसरे के बारे में लोग नेता लोग करते हैं, मैं वो कभी नहीं करूंगा। मैं व्यक्तिगत उसके निजी जीवन के बारे में, उसके व्यक्तिगत दोषों के बारे में कोई भी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करूंगा, व्यक्तिगत कोई आक्रमण नहीं करूंगा। मैं केवल सैद्धांतिक विरोध कर सकता, सकारात्मक राजनीति और जनता की सेवा करूंगा। सेवा के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। सब कुछ है मेरे पास, आपका दिया हुआ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, कुछ नहीं। और जो नहीं जानते हैं सुन ले, बिहार के बाहर वाले और बिहार के अंदर भी जो भाई नहीं जानते हुए हैं, कैसे 14 साल की मेरा बाल विवाह हुआ था, जब शादी की मतलब मैं नहीं जानता था। मेरी शादी को 47 साल अब 50 साल होने जा रहे हैं, 50 साल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, 47 साल हो गए। 14 साल के की उम्र में शादी हुआ हुई थी मेरी, पूरी पढ़ाई 14 साल में मैंने मैट्रिक नहीं पास किया था, 8वीं क्लास में मेरी शादी हुई थी, और पूरी पढ़ाई 8वीं से 9वीं 10वीं 11वीं पूरा जानी है मेरे बारे में, कुछ छुपाने को नहीं है।